ये रहता अभी तैयार किया हमने, इसमें टमाटर वगैरह मिर्ची वगैरह हर चीज़ डाली। ये आज हमारी बिरयानी ये हमने अभी तैयार किया। ये बिरयानी बनाई है जी, अभी हम बिरयानी के लिए मसाला बना रहे हैं। तो हमने लिए हैं 9 प्याज, हमने ले लिए हैं अभी एक काम है। ये 9 प्याज आपने ले, आप जितना प्याज ज़्यादा लेंगे उतनी आपकी अच्छी बिरयानी बनेगी। ले जी हम अभी शुरू करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है जो ना वो प्याज बिल्कुल बारीक काटें, जितने बारीक काटेंगे उतनी आपकी बिरयानी जो है सही अच्छी बनेगी। तो इसके बाद टमाटर लेने हैं आपने तकरीबन 5-10, अगर आपके पास 9 प्याज हैं तो आपने कुछ एक नहीं 3 या 4 जो है टमाटर लें, टमाटर ज़्यादा नहीं आपने डालने। तो फिर आपको पहले जितना अच्छा मसाला बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी बिरयानी बनेगी। तो अभी हम प्याज काटना शुरू हो गए, तो कोशिश करेंगे कि आपको जो है सही तरीके से वीडियो बना के ना दिखाएँ बिरयानी की। तो कोशिश करें, मैं यही कहता हूँ आपको कि जितना हो सके मिर्चें कम डालें इसमें बिरयानी में, सब्ज मिर्चें डालें लेकिन जितने मसाले कम डालेंगे ना उतनी आपकी अच्छी टेस्टी जो बिरयानी बनेगी। जब आप मसाले ज़्यादा डालेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह भी है। तो कोशिश करें कि आप जितने हो सके ना मसाले कम डालें। मैं सिर्फ सब्ज मिर्च इसमें डालूँगा, जो थोड़ा सा बिरयानी मसाला, ताकि बिरयानी मसाले का जो टेस्ट है ना वो आपको बिरयानी में मिले। तो ज़्यादा डालेंगे तो वो सही नहीं है। तो कोशिश करें ये प्याज का ऊपर वाला जो है पहला कवर चाहिए, ये जो ये इसे इस कवर को सारे को उतार दें, क्योंकि ये सही नहीं होता, इतनी जल्दी बॉयल नहीं होता। तो आप ऐसा करेंगे बिल्कुल डालें काटें, तो फिर आपकी जो है बिरयानी वो अच्छी बनेगी। ये हमने प्याज सारे काट लिए, तो हम सब्ज मिर्ची वगैरह काटेंगे। आपको बताऊँगा कितनी को सब्ज मिर्चियाँ आपने ले ली, 15-10-12 सब्ज मिर्चियाँ ली हैं। तो ये मिर्ची इसलिए मैंने सब्ज ज़्यादा डालता हूँ कि इसके अंदर जो है ना मसाले वगैरह वो कम डालें, क्योंकि मसाले जो है ना आपके मेज़े के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब आपके मेज़े को करते हैं। आप सब्ज मिर्च कोशिश करें कि जितना हो सके रेड मिर्च से परहेज़ करें और सब्ज मिर्च जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये सब्ज मिर्च हम अब काटेंगे, कोशिश करेंगे बारीक, जितनी बारीक होगी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि फिर सब्ज मिर्च आपके मुंह में साबुत अगर चलेगी तो फिर आपको ज़्यादा मिर्च लगेगी। कोशिश करें जो है ना आप बिल्कुल बारीक काटें, अच्छे से बारीक की तरह काटें, तो ये आपके लिए सही होगा। अब ना हमारी बिल्कुल कट गई मिर्चें लेनी है आपने, 8-10 प्याज लेने जो अब मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है। इसके बाद हम टमाटर काटेंगे, तकरीबन 4-5 अदद आपने टमाटर लेने, सही है। तो फिर हम चलते हैं बिरयानी की तरफ। ये हमने पानी रख दिया, क्योंकि तेल के अंदर हम पहले जो है ना ब्राउन नहीं करेंगे वो प्याज। तो ये पानी रखा है, ये तकरीबन आपने 2-2.5 कप ना पानी लेना, ठीक है। तो उसके अंदर जो ये मैंने प्याज कटे हुए हैं ये इसके अंदर सारे डाल देंगे हमें। ताकि प्याज जो ना अच्छी तरह बॉयल हो जाए। ये हमने प्याज डाल दिया, हमें पानी काफ़ी है इसके अंदर, पानी हमें और डालने की ज़रूरत नहीं। देखिए सारे प्याज जो है डीप हो गए हैं पानी के अंदर। अभी इसे हम बॉयल करेंगे 10-15 मिनट के लिए, हम इसे रख देंगे। देखते हैं कि 10-15 मिनट के अंदर ना प्याज जो है वो गल जाएंगे सारे। चार टमाटर और इसके अंदर ना बिरयानी के 2 गाजरें भी हम बारीक काट के डालेंगे, इसके से टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और कलर भी होगा। बारीक सा हमने टमाटर काट लें, इसको अच्छी तरह ला दें।
टमाटर अपनी कोशिश करनी बरीक हल्का बरीक काटे ले जी। ये गाजर हम करने लगे इसको फ्रेश इस तरह करने कि ज़्यादा मोटी भी ना हो ज़्यादा बरीक भी ना। तो ये जब हम चावल बॉयल करेंगे उनके अंदर ये मैंने ये गाजरें डालेंगे इस तरह। आपने दो गाजरें ये जितनी आप करते दो ले लें सही है, एक लेनी आपसे मर्जी है सही है। ये आपने कश कर लेंगे कर लिए। तो ये सारे टमाटर नहीं कटे हुए तो उसके अंदर अब हमने ये मुर्गी डाल दी जो बॉयल किए थे प्याज। तो अब इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, इसका मसाला बनाएंगे अच्छा सा। तो उसके बाद फिर जी बिरयानी के लिए चावल जो है ना बॉयल बाद में करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जो है इसी तरह लीजिए आपने कवर कर दे होगी तो आपको ना मिलता फिलहाल। हाँ जो है अब टमाटर डालें इसके अंदर, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह ज़रा ना फ्राई करेंगे बिरयानी, ठीक है। फ्राई करने के बाद इसका मसाला तैयार हो जाएगा। तो हम जनाब कर देंगे फिर चावल बॉयल करेंगे। बिरयानी का मसाला अब चावल डाल रहे हैं इसके अंदर, ये आपको शायद इधर आके दिखाएंगे, ये दिखाएं जी पतीले के अंदर ये बिरयानी है। ये ना थोड़े से कोई बात। अब ये हम चावल इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे करके डालेंगे सारे चावल। अब ये कर देंगे इस तरह, और ये जो है ना दोबारा हम ये बिरयानी का जो मसाला बनाया हुआ है ये सारा इसके अंदर डाल देंगे। ये बिल्कुल तैयार हो गया। ये जो चावल है बचे ये डालने इसके ऊपर। अब दोबारा ये इस तरह मिक्स कर दें इसे। तो इसके अंदर ये नींबू वगैरह डालना, ये देखा काटा हुआ है हमने पहले। इसके अंदर अब ये रंग डालेंगे, ये हल्का सा इधर ये डाल के इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए ना दम पे रख देंगे। साफ है ये जी, हमने 10 से 12 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे इसके वास्ता। तो जब तैयार हो ये रहता अभी तैयार किया हमने, इसमें टमाटर वगैरह मिर्ची वगैरह हर चीज़ डाली। ये आज हमारी बिरयानी ये हमने भी तैयार की, ये बिरयानी बनाई है।